काला धन क्यों नहीं लाया? हर साल 2 करोड़ लोगों को नौजवान लोगों को नौकरी, ये बताएं लोकतंत्र को क्यों खत्म कर रहे हैं सारे? 10 साल डबल राज रहा। नमस्कार, आप बिहार इंसोर्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज आरा के दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने भोजपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इसके बाद वो जमकर बीजेपी पर बरसे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी घबरा गई है और इसके अलावा उन्होंने कई जवाब मांगे हैं। तो देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आरा पहुंचकर क्या कुछ कह रहे हैं। आपके सामने बोले कि 17 लाख रुपए काला धन क्यों नहीं लाया? हर साल 2 करोड़ लोगों को नौजवान लोगों को नौकरी नहीं दिया, नौकरी देने की नहीं बताया कि देश की संपत्ति को क्यों ले रहे हैं? ये बताएं लोकतंत्र को क्यों खत्म कर रहे हैं सारे संस्थान संस्थानों को बर्बाद गोली लगाई थी बिहार, क्या हुआ देना पड़ेगा? अमित सब बिहार में छह महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। अमित सब 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं। कैसे इंडिया क्या रहेगा भाजपा का और आप लोग घबराहट का और क्या क्या काम करने का प्रयास करें, हम सब लोग जान रहे चौकड़े पहले बार बीच मोदी जी हो, अमित शाह हो, कितने केंद्र मंत्री कितने बार बिहार जब ये सत्ता में थे, लगभग आप समझिए कि 10 साल डबल राज रहा और लगभग कितना साल से लोग राज्य के सरकार में थे, क्या काम? तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि आखिर वो 15 लाख रुपए कहाँ है, आपने जो रोजगार का वादा किया था उसका क्या हुआ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्य शाला में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ समीक्षा बैठक की, जिसके बाद धरहरा से रेलवे स्टेशन भाया सुसमहल शिवगंज पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य का नारियल फोड़कर विधिवत शिलान्यास किया। तेजस्वी यादव के काफिले में करीब 70 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं उनके समर्थक के मौजूद थे। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ स्वास्थ्य विभाग पथ निर्माण के सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। आरा संग्रहालय सभागार में डीएम राजकुमार, एसपी प्रमोद कुमार, सिविल सर्जन, डीडीसी, नगर आयुक्त, एडीएम समेत जिले के सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों की के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार की योजनाओं को तेजी से धरातल पर लाने का निर्देश दिया है, साथ ही गरीब तबके के लोग को हर संभव मदद और स्वास्थ्य विभाग की जो कमियां हैं उसे जल्द से जल्द सुदृढ़ करने का निर्देश भी दिया है। और इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। बहरहाल, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।